नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय बिहारी जी की। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी आप सभी के लिए मंगल हो, मंगलकारी हो, ऐसे मेरे प्रभु के दिव्य चरणों में मंगल कामना। एकादशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैं आप सभी से केवल इतना ही कहूंगी, एकादशी फास्टिंग इज नॉट अबाउट डाइट, नॉट अबाउट बर्निंग ऑफ कैलोरीज, बट अबाउट बर्निंग ऑफ पेन, प्राइड, ईगो एंड सिंस। सो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। हैव अ लवली डे, हैव अ ब्लेस्ड डे। आज आप सभी के साथ मैं लाइव एक विशेष मुद्दे को लेकर हूँ, जो कि अक्सर हमारे समाज में एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में व्याप्त है। देखिए, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। इवन नाउ आज भी हमारी सोच बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी एक जगह हम बोलते हैं बेटे बेटी समान है, बेटा भी समान, बेटी भी समान। और फिर जब हम ऐसा बोलते हैं कि बोथ आर इक्वल, देन क्यों बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है? देन क्यों उनकी अनचाही, उनकी हत्या कर दी जा रही है शादी से पहले? शादी, या तो आप शादी से पहले मार देते, या कुछ लालची लोग दहेज के नाम पर, दहेज के प्रभाव में आकर उनको मार देते। ऐसा आखिरकार क्यों उन लड़कियों के साथ होता है, क्यों बेटियों के साथ होता है? मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। ऐसा क्या करते हैं बेटे जो एक बेटियां नहीं कर सकती? क्या आपने अपाला घोषा लोपा मुद्रा का नाम सुना? और हमारा जो भारत देश है वो स्त्री प्रधान देश रहा है, स्त्री प्रधान। हमारे यहाँ की जो बेटियां थी वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। और आज मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज उन्हीं बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। बेटा घर में पैदा होता है तो उत्सव मनाया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, उन माता पिता के लिए विशेषकर मैं बोल रही हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब आपका एक भाग्य होता है तब आपके घर बेटा पैदा होता है, लेकिन जब आपका सौभाग्य होता है, जब आपके 100 भाग्य एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर आपके घर में बेटियां पैदा होती हैं। मैं आपको सत्य बता रही हूँ। माँ पापा बताते हैं कि जब आप और देवी निधि जी जब पैदा हुए थे तो इतना उत्सव हम लोगों ने मनाया था, कि इतना उत्सव गोविंद और नमन, बोथ आर माई ब्रदर्स, जब मेरे भाई पैदा हुए थे तब इतना उत्सव नहीं मना था, लेकिन जिस वक्त हम लोग पैदा हुए थे तो विशेष उत्सव मनाया गया था। आज हम लोग नेहा निधि से, यदि देवी नेहा निधि बन पाए तो क्यों बन पाए? क्रेडिट गोज टू माँ पापा, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हर एक लड़की को आवश्यकता है सपोर्ट की, प्रोत्साहन की। एक बेटी हाउस वाइफ से लेकर देश के राष्ट्रपति तक बन सकती है, देश के प्रधानमंत्री तक बन सकती है। आवश्यकता है कि हम उसको एक मौका दें। हर एक बेटी को एक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है टू टू शो हर सेल्फ। वो क्या नहीं कर सकती है? शी कैन डू एवरीथिंग, यू कांट इमेजिन कि वो क्या क्या नहीं कर सकती। शी कैन डू एवरीथिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेटे को तो पढ़ाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, अरे बेटा तो हमारा, बेटे का विवाह होगा, ये होगा, फलाना ढिमका एक्सेट्रा, उसके शादी से हम लोग सोचते हैं कि हमें दहेज लेना है, ये लेना है, तो हमारा बेटा पढ़ा लिखा होगा तब जाकर हमें अच्छा दहेज मिलेगा। और बेटियां, अरे साहब क्या पढ़ाएंगे, वही तो रोटी तो बनानी है घर में। जब तक इस प्रकार की हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक आप सोचो कि भारत एक समृद्ध देश बनेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे एक चीज बताइए, ओलंपिक में कितने बेटों ने आपको पदक लाकर दिए, मुझे बताइए आप। साक्षी सिंधु, हम लोग कहते हैं भाई बेटियां हो तो वाह वाह वाह, साक्षी सिंधु। अरे आपकी बेटी भी साक्षी सिंधु बन सकती है साहब। आवश्यकता है कि आप, साक्षी सिंधु के पेरेंट्स ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया, उस प्रकार से यदि आप भी, साक्षी सिंधु के पेरेंट्स ने जिस प्रकार से उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया, यदि हर इसी प्रकार से हर एक माता पिता करने लगे ना, तो हर घर में साक्षी होगी, हर घर में सिंधु होगी। आवश्यकता है कि हम अपनी बेटियों को प्रोत्साहन दें। लोग मुझसे कहते हैं कि देवी जी बहुत प्राउड फील होता है जब हम आपको देखते हैं, आप हमारे समाज का गौरव हो। आपकी बेटी भी आपकी समाज का गौरव हो सकती है, आपकी बेटी भी इस देश का गौरव हो सकती है। आज यदि हमारे माता पिता ने हमें सपोर्ट नहीं किया होता, प्रोत्साहन नहीं दिया होता, और अन्य माता पिता की तरह हमें भी घर में बंद करके रखा होता, चूल्हा रोटी चौकी तक सीमित रखा होता, तो क्या आज मैं आप सभी के सामने ऐसे लाइव स्पीच दे रही होती? क्या मैं नेहा से देवी नेहा बन सकती थी? नो, नेवर। ये तो माता पिता, ऐसी सोच हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। देखिए,
बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में लेकिन लहलहाती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे पर खुद रोती हैं बेटियां, कई प्रकार से माँ बाप को गिराते हैं बेटे पर संभाल लेती हैं बेटियां। कौन कहता है कि बेटे घर में रोशनी करते हैं? बेटा आन है तो बेटी शान है। आप ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। मेरा उन सभी माता पिता से विशेषकर इस लाइव के माध्यम से कहना है, जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं देते, जो लोग अपनी बेटियों को समझते नहीं, स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि बेटे आन है तो बेटियां शान है, यदि बेटे आज है तो बेटी कल आने वाला कल है, कल सुनहरा कल है, यदि बेटे चिराग हैं तो बेटियां रोशनी हैं। बेटियों को मारिए मत, बेटियों को बचाइए, बेटियों को शक्तिशाली बनाइए। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है। एक बेटी क्या, आप उसकी, वो चंद्रमा की तरह जितनी शीतल है ना, वो चंद्रमा की तरह जितनी शीतल आपको दिखाई देती है ना, वो अग्नि ज्वाला की तरह उतनी ही प्रचंड है, वो उतनी ही प्रचंड है। हमारा जो देश है, आपने हिस्ट्री इतिहास में पढ़ा होगा, गार्गी, अपाला, लोपा मुद्रा, कितनी विद्वान नारियां थी जो बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया करती, संस्कृत में बात किया करती थी। और आज हम लोगों ने बेटियों की दुर्दशा बना के रखा है। बेटियों को तो कुछ, हर व्यक्ति को माँ चाहिए, बहन चाहिए, मासी चाहिए, बुआ चाहिए, दादी चाहिए, आंटी चाहिए, फलाना ढिमका एक्सेट्रा सब चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बेटी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा। बेटा जब आप मर जाते हैं ना, तो आपका बेटा आपकी खोपड़ी फोड़ता है, उसमें एक लोटा घी भर देता है, बस इसके अलावा आपका बेटा और कुछ नहीं करता है। तो मैं विशेषकर उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी जो अभी भी इन इस 21st सेंचुरी में अभी भी इस प्रकार की सोच रखते हैं, उन माता पिता से मेरा विशेष अनुरोध है, विशेष प्रार्थना है, कृपया इस सोच को बदलिए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए। मैं आपको एक चीज बताऊं, भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये वह देश है जहां हमें चरित्र का पाठ पढ़ाया जाता है, हमें चरित्रवान बनाया जाता है। देखिए, और मेरा आप सभी के साथ लाइव जुड़ने का आज एक और कारण ये था कि मैं, वैसे तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ सकूं, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो जिनसे कि मुझे काफी नाराजगी हुई। आप इसे चीप कमेंट्स करके क्या शो करना चाहते हैं? यू शो योर चीपनेस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप यदि वो चीप घटिया कमेंट्स करते हैं, तो इससे आप अपनी चीपनेस दिखाते हैं, अपने संस्कार दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार के संस्कार मिले हुए हैं। तो इस प्रकार की चीपनेस आप, मैंने बहुत वल्गर कमेंट्स पढ़े, पता नहीं क्या क्या स्टूपिड कमेंट्स थे जो मैं बोल भी नहीं सकती। सो इट्स वेरी चीप। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि यू डोंट नो हाउ टू कमेंट एंड हाउ टू टॉक, देन डोंट डू प्लीज। और स्पेशली अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे सुनने वाले हैं, यदि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो प्रतिक्रिया देना है दीजिए, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का आप चुनाव कीजिए जो सामने वाले को प्रिय लगे। और ये आप हमेशा अपने माइंड में एक बात रखिए कि आप किस व्यक्ति से क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा अपने माइंड में रखिए, ठीक है? क्योंकि आई एम अ प्रीचर एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू टॉक अ प्रीचर, हाउ टू टॉक विद अ प्रीचर एंड हाउ टू टॉक विद पीपल, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि इतने वल्गर कमेंट्स मैंने देखे, इतने घटिया कमेंट्स मैंने देखे, मुझे आश्चर्य हुआ कि बताइए, ये हमारे भारत देश के युवा हैं जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, जिन्हें खुद तो पता नहीं है कि हाउ टू टॉक, जिन लोगों को ये नहीं पता कि बातें कैसे की जाती, वो लोग इस देश को आगे लेके जाएंगे। आई बिकेम वेरी सैड। आपको एक चीज बताऊं, मैं उन माता पिता से अनुरोध करूंगी जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार आप अवश्य प्रदान करें, क्योंकि इट्स योर ड्यूटी, ये आपका फर्ज है, बीइंग अ पेरेंट्स इट्स योर ड्यूटी। जिस गांव में बारिश ना हो, जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस घर परिवार में संस्कार ना हो, जिस घर परिवार में वैल्यूज नहीं सिखाई जाती, जिस घर परिवार में संस्कार का पाठ नहीं दिया जाता, उस परिवार की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, क्योंकि
एक चरित्रवान व्यक्ति ही ना, ही कैन गेट एवरीथिंग, उसे उसे कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। यदि जब आपका बच्चा चरित्रवान संस्कारवान होगा ना, तो ही कैन फेस एवरीथिंग, वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह फेस कर सकता है और कभी भी किसी भी जगह सक्सेस को पा सकता है। तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। मेरा इस लाइव के माध्यम से उन सभी माता पिता से विशेष अनुरोध है कि आप सभी यदि मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात से यदि आप सहमत हों, तो कृपया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। है श्वास जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, है श्वास जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, खुशियां हो जाएं श्री राधे और अपना मन श्री कृष्ण होना चाहिए। कर्म करते रहिए और मन को गोविंद के चरणों में बांध दीजिए। इस लाइव के माध्यम से मेरा आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाना था, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, उनको शक्तिशाली बनाइए। अगेन आप सभी के साथ किसी महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर फिर से लाइव जुड़ेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस, स्टे ब्लेस, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।